नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर के तहसील धामपुर के कस्बा सहजपुर निवासी डॉक्टर शुमायला चौधरी ने यूपीएससी परीक्षा में 368वां स्थान प्राप्त कर जनपद को गौरवान्वित किया है। परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर खुशी का किया इजहार। शुमायला के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। शुमायला सहजपुर के स्वर्गीय किफायतुल्ला चौधरी की पुत्री है। उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल धामपुर से 89.56% में उत्तीर्ण की थी। इंटर की परीक्षा केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली से 83% अंकों से उत्तीर्ण की। उसके बाद उनका चयन MBBS में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हो गया था, जहां से उन्होंने अपना MBBS पूरा किया, क्योंकि महत्वाकांक्षा UPSC परीक्षा में स्थान पाने की थी, जिसके लिए डॉक्टर शुमायला ने UPSC की तैयारियों के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी ज्वाइन किया। अपनी पूर्ण लगन बनाए रखी। 3 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम आज उसके UPSC परीक्षा में 368वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया। अभी वह दिल्ली में रह रही है। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने चाचा हिमायतुल्ला तथा माता संजीदा बेगम को देते हुए कहती है कि इनका प्रोत्साहन हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाता रहा। चाचा डॉक्टर हिमायतुल्ला ने बताया कि शुमायला के पिता के किफायतुल्ला चौधरी रेलवे विभाग में STI थे। वे बेहद ईमानदार अधिकारी थे। शुमायला 4 बहन भाई हैं। बड़ी बहन डॉक्टर फरहा चौधरी MBBS MD है। वे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत है। एक भाई कतर में BDS डॉक्टर है। एक भाई रेलवे में नौकरी करता है। शुमायला शुरू से ही पढ़ने में तेज थी। आज पूरे घर में मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई है। देखिए सिहारा से हमारे संवाददाता ओवैस जैदी की रिपोर्ट। मोहम्मद ओवैस, आप बिजनौर एक्सप्रेस की टीम से इस वक्त मौजूद हो सहसपुर में, जहाँ पर आई है शुमायला चौधरी के घर पर। आइए बात करते हैं, आइए शुमायला चौधरी से। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने हमारे जिले का, अपने परिवार का, पूरे बिरादरी का नाम रोशन किया, उसके लिए आपको तहे दिल से मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू। कुछ अपने बारे में बताइए, आपका नाम शुमायला चौधरी, अपने वालिद का नाम। मेरा नाम शुमायला चौधरी है। मेरे फादर का है लेट किफायतुल्ला, वो मुरादाबाद में पोस्टेड थे एज CTI इन मुरादाबाद नदन रेलवेज। और मेरी स्कूलिंग जो है सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल धामपुर बिजनौर से हुई है टिल 10th क्लास। उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय न्यू दिल्ली से अपना 12th कंप्लीट किया। फिर मुझे, मेरी बड़ी बहन जो है वो डॉक्टर हैं, तो वहाँ से मैं बहुत इंस्पायर हुई और मुझे डॉक्टर बनना था पहले, तो मैंने राजस्थान कोटा से कोचिंग की और थैंकफुली मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिला, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। वहाँ से मैंने MBBS किया। पर ड्यूरिंग माई MBBS मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे चॉइस करनी थी बिटवीन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सिविल सर्विसेज। तो मेरे ऑलरेडी सीनियर्स जो हैं काफ़ी वो सिविल सर्विसेज परसू कर रहे थे और मैं वहाँ से बहुत इंस्पायर हुई और मैं मेडिकल में ही पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकिंग, हॉस्पिटल गवर्नेंस, इन इश्यूज़ पे ज़्यादा काम करना चाहती थी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे हॉस्पिटल में भी जिससे मैं इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहिए। आई रियलाइज्ड कि मैं कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा। तो फिर वहाँ से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की अपनी इंटर्नशिप करने के बाद और टुडे आई एम हेयर थैंकफुली। मैम, जैसे परिवार में एक होता है, आपने ड्यूरिंग 10th और 12th के, आपका एक, हर बच्चे का एक एम होता है कि मुझे MBBS करना है, मुझे BDS बनना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। आपने क्या सोचा था कि आपको क्या करना है? शुरू से आपका मन था IAS का, या फिर एक किसी फैमिली के प्रेशराइज से, या किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी IAS बने? ये वो एग्ज़ाम है कि प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है और बहुत साल लग जाते हैं, तो प्रेशर में तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं हो सकता। पर मेरे पापा की और पूरे घर वालों की ये ख्वाहिश थी, क्योंकि उन्हें लगा कि सबसे छोटी बेटी है और उन्हें ऐसा लगा कि पढ़ने में अच्छी है तो इसको सिविल सर्विसेज करना चाहिए। पर मैं मेडिकल कर रही थी, मैं वहाँ भी काफ़ी खुश थी, पर लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे घर वालों का सपना है, मेरा भी वही ग्रेजुअली सपना बन गया, ऐसा रहा। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि IAS क्यों चुना आपने? क्योंकि मतलब ये एग्ज़ाम एक ही होता है, फिर उसके बाद सर्विसेज अलॉट होती है, IAS IPS, वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें मिलता है, हमारी रैंक के अकॉर्डिंग और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। पर जैसे कि स्पेशली बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा, मैं उनमें इंटरेस्ट लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वेमेन रिलेटेड इशूज़, जो औरतों से रिलेटेड इशूज़ हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हेल्थ से, इन्हीं सारी फील्ड्स में जो सिविल सर्विसेज है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा मुझे काम करने की, इस वजह से मैंने सिविल सर्विसेज को चूज़ किया।
जैसे आप मुस्लिम माशरे से आती हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं, तो मुस्लिम माशरे में बहुत कॉमन है कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। आज की डेट में भी ऐसी धारणा है लोगों की। आपने एक रोल मॉडल बन के लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, उस एग्ज़ाम्पल जो आपने सेट किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, लोगों को क्या चाहिए कि अपनी बेटियों को पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ? जी बिल्कुल, ऐसा पहले होता था कि मुस्लिम ही नहीं, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हर जगह बेटियों को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर उन्हें हायर स्टडीज़ चूज़ करनी हो तो बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, पर हमारे घर में थैंकफुली उल्टा है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैं इस घर में मेरी जन्म हुआ है, कि यहाँ पर बेटियों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है हमारी पूरी ही फैमिली ने, और इसी वजह से हम तीनों ही बहनें जो है तीनों डॉक्टर बनी और एक मिसाल बनी पहले हमारे टाउन के लिए। मेरी बहन जो है वो फर्स्ट डॉक्टर थी हमारे टाउन में, उससे पहले यहाँ MBBS डॉक्टर नहीं थे, स्पेशली लड़कियों में तो नहीं। तो वो एक रोल मॉडलिंग अपने आप हो रही है और लोग पढ़ा रहे हैं, वैसा दिख रहा है कि चेंज आ रहा है, लोग बेटियों को भी पढ़ाई के लिए उनकी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब आपको पता चला कि कल आपका रिजल्ट आने वाला है, उससे एक दिन पहले घर में क्या माहौल था? उससे एक दिन पहले तो बस आप पढ़ाई वढ़ाई तो हो चुकी थी, सब बस दुआ ही मांग रहे थे, बस वही। आपका रिजल्ट, ये थर्ड अटेम्प्ट था जी, मुबारक हो आपको। जब आपका रिजल्ट के आपके बारे में पता चला, तो सबसे पहले किसने आपको बताया, आपको पता चला, आपने फैमिली को बताया, तो कैसा रिएक्शन क्या था, मतलब पहली जो फीलिंग होती है कि रिजल्ट आया है तो? मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, वहीं मैं जामिया में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में पढ़ती हूँ, तो वहीं पे हम लोगों ने साथ में, सबका था वहाँ पे और भी मेरे दोस्तों का था, सब ने साथ में देखा था। और मैंने घर पे कॉल करके चाचा को, यहीं सब साथ में हमारे रहते हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी, तो चाचा मम्मी भाई इन लोगों को बताया, तो इन लोगों ने मुझसे, बस इन्हें पता चल गया कि सक्सेसफुल रिजल्ट रहा, इन लोगों ने मुझसे बात नहीं की, पहले इन्होंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, उसके बाद जाके इन लोगों ने मुझसे बात की। कितना फ़र्क आया पहले में और अब में? अभी तो फ़र्क तो क्या, मतलब वही महसूस कर रही है फ़र्क। मैं घर वालों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि इन लोगों के लिए मैंने, इन लोगों ने मेरे से ज़्यादा मेहनत इन लोगों की थी, तो इन्हें मैंने ये दिन दिखाया, मुझे बस इस बात की खुशी हो रही है, बाकी तो आगे पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक सवाल है मेरा समाज के लिए, खास करके सहसपुर के लिए, ज़िला बिजनौर के लिए, आप एक रोल मॉडल हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ शुमैला चौधरी बने। सहसपुर का नाम DSP तंजील अहमद के नाम से भी जाना जाता था, अब सहसपुर का नाम शुमैला चौधरी के नाम से जाना जाएगा। शुमैला चौधरी जो भी सुन रहा है, बस उसके ज़ुबान पे एक ही नाम है कि हमारे सेवारा की शुमैला चौधरी है, हमारे सहसपुर की शुमैला चौधरी है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। एक फीलिंग्स आती है, एक प्राउड मोमेंट होता है। तो शुमैला चौधरी का क्या मैसेज है अपने लोगों के लिए, अपने शहर वालों को? सबसे पहली इम्पॉर्टेंस रादर देन मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा पढ़ाई और इन सब चीज़ों पे इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे लड़कियों की पढ़ाई, क्योंकि जैसा हमें पता ही है कि एक लड़की को अगर हम पढ़ाते हैं तो पूरी फैमिली उससे एजुकेट होती है, तो हमें लड़कियों की पढ़ाई पे ख़ास तौर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, अपने वक्त दिया। थैंक यू। क्या कहना चाहूँ, बस सबको अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, जिस तरह से मेरी बच्ची बनी, अल्लाह सबके बच्चों को बनाए। बहुत बहुत मुबारक हुआ जी। शुमैला चौधरी के छोटे भाई सनी भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा खुश यही दिखाई दे रहे हैं मुझे, और जब से हम आए लगातार कुछ ना कुछ कंप्यूटर पे किए जा रहे हैं, पढ़ाई किए जा रहे हैं, लगता है इन्हें भी IAS बनना है। तो आइए इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत क्या अच्छा महसूस हो रहा है, फैमिली में एक IPS आ चुके हैं ऑलरेडी, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को बहुत उससे क्या बोलते हैं वो मिलेगा, आगे पढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेगा, और पूरी फैमिली को, पूरे मतलब आप कह सकते हैं कि दूर दूर के रिलेटिव भी गाइडेंस के लिए हमेशा रेडी है, हमारी फैमिली हमेशा से उसी के लिए हो रही है। हमारे यहाँ से काफ़ी मतलब एजुकेशन वगैरह के लिए कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी लोगों को जितने को भी मदद करना चाहेंगे वो। आप क्या कर रहे हैं एजुकेशन में? मैंने मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं हर्मेटिक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पंप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, आपके पूरे परिवार को। शुक्रिया भाई, थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद है शुमैला चौधरी IAS के घर पर सहसपुर में, हमारे बात उनके परिवार से सभी से हुई, उनके फूफा साहब हमें मिले, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? खालिक रजा नाम है मेरा, मैं चुचाला कला मंडी धनौरा। अच्छा, धनौरा से। आपको जब पता चला तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ, इसकी उम्मीद थी मुझे कि हाँ ये लड़की क्लियर कर लेगी UPSC का एग्जाम, और बहुत अच्छा हुआ, हमारे खानदान का नाम रोशन हुआ सबका, बड़ी तारीफ की बात है। उम्मीद थी तब बताने से उम्मीद भी लिया, और मेहनत का ही फल है और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
गोरखपुर में आइए शुमाइला चौधरी के घर। इस वक्त हमारे साथ शाहनवाज भाई जुड़े हुए हैं जो कि डॉक्टर शुमाइला चौधरी आईएएस की बहनोई साहब लगते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस बारे में। सबसे पहले आपको मुबारकबाद साहब। थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है आपको इस टाइम? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खुशी का माहौल है। घर पर भी सभी लोग खुश हैं और पूरे शहर वासी जितने भी हैं सभी लोगों ने दुआएं की हैं। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम साजिद। आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आप क्या करते हैं? मेरी जॉब है। माशाल्लाह। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी गुड फीलिंग जो बहुत अच्छी आ रही है, मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।